तो विवेक जी और अमिताभ अभी का बहुत बहुत थैंक्स कि एक हमें भी प्लेटफॉर्म दिया, राइट। और पहले भी आ चुका हूँ आपके साथ में, और आपके टीम से एक्साइटमेंट ले चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के बात करना। और सीधी सी बात तो यह है कि हम तो विवेक जी सर से और मैडम से सीख रहे हैं, और अमृता और मैं तो एक क्लासमेट है। अभी हमारा जो अहमदाबाद का जो चल रहा है तो बहुत उसमें वो भी मजा करते हैं, फन करते हैं। और विवेक सर तो बहुत पुराने, जैसे बता ही रहे थे, जानकार है कई सालों से। तो मैं क्या बताऊं आपको, आप इनसे ज्यादा बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं अभी भी स्टिल सीखता हूँ इनसे। कहीं पे भी मिल जाए, मेरे को पता चल जाए ना विवेक जी का प्लान है, तो पता है विवेक जी को मैं वहां जरूर पहुंचता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है ना, सभी का, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, सभी ने डायमंड जाना है। और जब सामने बैठे हो ना, तो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर वैसी आ जाती है, वैसे ही बड़ा मजा आता है कि नहीं चलो, अब मुंह से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो सब परमात्मा को पता है, किसका कहाँ पे भला होने वाला है। लेकिन हमारे अंदर बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि बैठे हैं तो हमारे लिए बड़ा फीलिंग आती है इससे। तो मेरी सीडी आपने सुन ली है, नहीं सुन रखी तो आप सुन लोगे, उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं मैडम को कॉल करूंगा, थोड़ा सा ये आपसे बात करेंगे, फिर मैं आके आपसे दोबारा बात करता हूँ। ओवर टू यू। सभी को मेरा नमस्कार। नाम रूही है। बाय प्रोफेशन मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रही हूँ, और पिछले लगभग 21 साल से मैं एकेडमिक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। शायद विवेक सर ने जब आप ये मीटिंग शुरू करी होगी तो हमेशा ये बात करते हैं कि विवेक सर अप्रोच करना चाहते थे मुझे, जब आज से कोई 20 साल पुरानी बात होगी, है ना। तो 20 साल पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, मतलब आई वाज लाइक एमबीए के अंदर, शादी के बाद मैंने एडमिशन लिया था। तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो बाय द वे विवेक सर के ग्रुप में ही थी, शैली। तो शैली मेरी क्लासमेट थी, और शैली के थ्रू मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे। तब वेट मैनेजमेंट का बॉडी की पॉजिट्रिम के नाम से आया करता था, जो आजकल बॉडी की के नाम से आता है। तो मैंने पॉजिट्रिम लिया था शैली से, और विवेक सर ही हमारे घर पे पॉजिट्रिम देने के लिए आए थे। और शैली ने विवेक जी को ये कहा था कि आप बस सामान लेके आ जाना, उनसे बिजनेस की बात मत करना। और उन्होंने भी उसी चीज को फॉलो करा, उन्होंने सामान दिया और वो चल पड़े सामान लेके, और उन्होंने बिजनेस की बात नहीं करी। और फिर बाद में 2009 में हमें डॉक्टर रेनवा जी ने अप्रोच करा, और फिर भगवान की जब कृपा होती है तभी आप इस बिजनेस में आते हैं। और उससे पहले एक और मजेदार इंसिडेंस जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, मतलब कनेक्टेड डॉट्स जिसको बोलते हैं ना, कि बिना भगवान की मर्जी के तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं अपनी पहली बच्ची के साथ जब प्रेग्नेंट थी, तो हमारे पड़ोस में एक सफायर कपल है, सफायर Right. है, Founder, founder. फाउंडर प्लैटिनम कपल है, मंजू सहारन जी हैं, बिल्कुल हमारे घर के साथ में रहते हैं, धर्मेंद्र एंड मंजू सहारन, जो गंगानगर के लोकल होस्ट हैं। तो जब मैं पहली अपनी बच्ची के साथ प्रेग्नेंट हुई थी, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आप एमवे का न्यूट्रलाइट आयरन कैल्शियम और प्रोटीन लीजिए, आप बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में अगर आप लेते हैं तो। और मैं ये सब सामान, क्योंकि मुझे पता था कि पड़ोस में है और वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उनके घर से सामान लेके आई। नहीं, ये बात है जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली थी, 2008 की बात है एंड में। और तब आप ये देखिए, मजे की बात और क्या है कि हम एमवे ज्वाइन कर चुके थे तब, और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया ये बात कि वो एमवे बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, एक मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगी, कई बार आपको ये लगता है कि एमवे बहुत कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं लगती आपको, कई बार ये लगता है कि कोई ऐसा बहुत टॉप चीज नहीं है, है ना। ज्वाइन कर लिया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। और मैं घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ गई थी एमवे की, लेकिन मैं सामान जो है वो पड़ोस के घर से लेके आ रही हूँ, आप ये देखिए। और जब घर पे सामान आ गया,
आयरन कैल्शियम प्रोटीन आ गई घर में रखे हुए हैं, तो ये मुझे पूछ रहे हैं कि तू ये सामान कहाँ से लेके आई है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे सारन जी के यहाँ से लाई हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैंने भी एमवे बिजनेस ज्वाइन करा है, तो ऐसे कर ये सामान को वापस कर या अपने अपनी आईडी पे मंगाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप किसी से ले आए हो अब रिटर्न करना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अब आ गया सो आ गया, अब आपने क्यों नहीं बताया ये आपकी गलती है। तब वो FPOs होते थे, फर्स्ट परचेज ऑफर होती थी, तो हमने अपना कभी FPO लिया ही नहीं। और देखिए कितनी इनोसेंटली, मतलब घर के अंदर बिजनेस आया, बिजनेस आने के बाद भी उसको सीरियसली नहीं लिया गया। और क्योंकि मेरी तब जैसे डिलीवरी ड्यू थी और मैं तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी बिजनेस में। कई बार आप धक्के से इन्वॉल्व हो जाते हो, आप नहीं भी चाहते चीजों में इन्वॉल्व होना, है ना, तो भी आप इन्वॉल्व हो जाते हो। वो कहते ना गेहूं के साथ कई बार घूम भी मिस जाता है, तो मेरा वही हाल हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बिजनेस के अंदर कमिटेड हो गई। तो शायद हमारी जो जर्नी शुरू हुई 2009 से शुरू हुई, और कुछ बहुत सीरियस नहीं थे हम लोग बिजनेस को लेकर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, इन्होंने तो फिर भी मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया था। और देखिए इन्वॉल्व भी इन्होंने कभी नहीं मुझे करा था, घर के अंदर कभी चर्चा ही नहीं होती थी। सामान आ गया, मैं किसी और से लेके आ गई, वो घर पे पड़ा हुआ है, मैं यूज कर रही हूँ, बात खत्म। अभी अपने प्राइमरी जो काम में बिजी थे उसके बाद इन्होंने शाम को एमवे की मीटिंग्स पे जाना शुरू कर दिया, डॉक्टर रिन्वा जी के घर पे उनसे प्लान सीखना शुरू कर दिया। लेट आवर्स में ये घर पे आते थे और मैं बिजी थी अपने बच्चों के साथ, तो मैंने कभी पूछा भी नहीं आप कहाँ जाते हो क्या करते हो। तो देख रही है कभी नहीं, सिल्वर तक गए, प्लैटिनम तक गए, प्लैटिनम तक शायद मुझे बिजनेस की समझ नहीं थी जब सिल्वर गए, और मुझे स्टेज पर थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था या सिल्वर की स्पीच देनी थी, तो मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मैं बोलूं क्या। तो एक बड़े सुपरफिशियल ढंग से मैंने मैसेज दिया वहां पे, और कई बार मैं खुद हंसती हूँ उन बातों को सुन के कि अरे ऐसे थे क्या, मतलब मैं ऐसी थी, मुझे कोई विजन नहीं था, स्टेज पर जाके कैसे बात करनी है मुझे पता नहीं था, गोल्ड चले गए तो भी समझ नहीं थी, प्लैटिनम चले गए तब भी समझ नहीं थी। मैं अपनी बात करूँ तो प्लैटिनम के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने शुरू हुआ, वो भी इसलिए समझ आना शुरू हुआ क्योंकि घर के अंदर एक माहौल बन गया था, घर के अंदर सीडीज चलती थी, तो वो जाने अनजाने में आपके कान में वो आवाज चली जाती है और आपको भी नहीं पता चलता है कि आप कब सोल्ड आउट हो जाते हैं बिजनेस में। तो ये मेरा जर्नी रहा है बिजनेस को लेकर, जब समझ में आया तो लगा कि हाँ अच्छी चीज है करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर बच्चों के साथ, दो बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करा, फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करा, और बहुत ही पैशन के साथ लग के 2012 के बाद से लगातार हम फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर रहे हैं। फाउंडर प्लैटिनम हम 2012 में हुए थे, उसके बाद लगातार उसको मेंटेन करते रहे, और कई बार जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो किस तरह से इतना बड़ा ग्रुप बन गया, किस तरह से इतना बड़ा बिजनेस बन गया, शायद पता भी नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। रिवॉर्ड्स बहुत शानदार हैं इस बिजनेस के, जैसे विवेक जी ने बताया फॉरेन ट्रिप्स पे मजे करते हैं, ऐश करते हैं। और मैं आपको एक अपनी बहुत बड़ी कमी और बताऊं कि मुझे बहुत ज्यादा कोई घूमने फिरने का शौक नहीं है, तो मेरे लिए ये फॉरेन ट्रिप्स कभी भी अट्रैक्शन नहीं रहे थे। और आप सोचिए कि गेहूं के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि घुन भी पिस जाता है, तो मैं तो बाय डिफॉल्ट फॉरेन ट्रिप्स में चली जाती हूँ साथ में, पर मैं, मेरा मन क्या होता है कि ट्रिप पे जाए तो बस मुझे नींद चाहिए, मुझे सोना है। ये भी एक अच्छी बात है, ना चाहते हुए भी कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो आप कई बार सोचते भी नहीं है। तो बहुत शानदार बिजनेस है, और कमिटेड रहें आप सिस्टम के साथ, ये सिस्टम आपको वो बना देता है जो शायद आप कभी भी सोचते भी नहीं है। ये आपको अंदर से प्योर करता है, ये आपको सिखाता है कि सर्विंग एटीट्यूड क्या होता है, ये आपको टीम में काम करना सिखाता है। हम एक मीटिंग इससे पहले भी कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने ये बात कही कि ऐसा कुछ भी हम आज यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं पहले से, क्योंकि विवेक जी ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप बनाया है विवेक जी ने, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी टीचिंग है, वो सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, आप सबको सब पता है कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, क्या करना है।
पर हाँ यहाँ से हम आपको सिर्फ जो फेथ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एक और बात हम अक्सर कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर भी हो जाती है। बड़े बड़े लीडर्स भी कई बार जो बात कहते हैं हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो हमें ज्यादा स्वाद आता है। तो यहाँ से हम आपको फेथ दे पाएंगे और हम यही चाहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम यही चाहते हैं कि जो भी बात हम यहाँ से कहें वो आपको समझ में आए, आपको विजन मिले उन बातों से और आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करें। तो आज जो ये हमारा एक घंटा रहेगा ये फेथ बिल्डिंग का ही एक घंटा रहेगा और डेफिनेटली आपकी जो भी बातें होंगी, जो भी क्वारीज होंगी वो यहाँ पर मिलके हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले फॉरेन ट्रिप पे और बड़े विवेक जी के ग्रुप के साथ हम लोग सारे इकट्ठे वहां पे एंजॉय करें। ओवर टू सेठी सर, थैंक यू सो मच। जी वंस अगेन नमस्कार सभी को। देखिए अभी मैंने पहले ही बता दिया, मैडम ने भी पहले बता दिया कि इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता, चाहे कोई नया पर्सन है या कोई पुराना पर्सन है। हाँ नया को तो चलो मान सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी पुराने हैं उन सबको बताए कि इस बिजनेस के अंदर करना क्या। पर होता पता है क्या है कि कुछ ना कुछ चीज मिसिंग होती है हमारी जिंदगी में। और जब कोई लीडर सीढ़ी क्यों सुनते हैं, बातें तो हमें पता है लेकिन सीढ़ी क्यों सुन रहे हैं, सीढ़ी इसलिए सुन रहे हैं कि कहीं कोई एक लाइन ऐसी आएगी जो सिर्फ मेरे लिए काम करेगी। आज मैं जितनी भी बातें करूंगा होप मुझे पक्का पता है कि आप में से एक पर्सन ऐसा जरूर होगा जिसको एक लाइन वो मिल जाएगी जिसको वो जिसको 100% यही होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग करी थी तो उसमें एक लेडीज का मैसेज आया कि आपने जितने भी मैसेज दिए थे ना सारे मेरे पे अप्लाई होते थे। मैंने कहा मैं आपको जानता ही नहीं, आपके सारे मैसेज आप पर अप्लाई हो रहे हैं, मैं तो जनरली बात कर रहा था कि ये चीजें होती हैं लेकिन वो सारी आप पर अप्लाई होगी मुझे पता ही नहीं। कहती मेरे में ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, सारे ही आप मेरे लिए बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं पता, किसी को नहीं पता। आज आपने यहाँ पे बैठे हैं सब जने, एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहली चीज है कि आपको जो जानना है ना इस बिजनेस में, देखिए हम कुछ लोग फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ लोग स्लो ग्रो करते हैं, कुछ धीरे चलते हैं, कोई फास्ट भागते हैं ना। हमें लगता है ले विवेक जी, अमृता जी तो डायमंड हो गए, ये तो बहुत लकी थे, इन्होंने तो पहले ज्वाइन कर लिया, अब हम तो 20 साल बाद अब ज्वाइन कर रहे हैं। या कुछ लोग होंगे जिनको 10 साल 5 साल हो गए होंगे, वो कहेंगे अरे हम कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं दिमाग के अंदर। पर सबसे पहले तो समझने वाली चीज ये है ना कि बिजनेस एक्चुअली है किसका, किसका बिजनेस है। विवेक जी का बिजनेस है कि आपका खुद का बिजनेस है। जिस दिन आपने ज्वाइन किया वो आपका बिजनेस बन गया, उसी दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन जिस दिन विवेक जी ने स्टार्ट किया था वो उस दिन विवेक जी का था। अब बात आती है कि ये जो बिजनेस है ना इसको आप कोई ऐसा 100 मीटर की रेस मत मानो कि भाई इसमें भाग के फास्ट आना है, ओ विवेक जी तो फर्स्ट आ गए अब मैं क्या करूंगा। एक्चुअली में ये 100 मीटर की रेस है ही नहीं, ये तो मैराथन है। ये तो आपको रेस कंप्लीट करनी है, जैसे 10 किलोमीटर की रेस है, चाहे आप फास्ट भाग के जाओ, धीरे जाओ, स्लो जाओ, बैठ के जाओ, कैसे भी जाओ, आपको रेस कंप्लीट करनी है। हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है, हमारा अल्टीमेटली गोल है डायमंडशिप का। अब डायमंडशिप का जो गोल है हमारा वो क्या चीज है, वो मैराथन है। आपको यहां से चलना शुरू करना है और चलते चलते जाना है। अब मैं जो वही वापस बात करता हूं कि ये बिजनेस है किसका बिजनेस है और आपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था। बस ये चीज हम जो है ना वो भूल जाते हैं स्टार्टिंग कि हमने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं बताता हूँ, मैंने सिर्फ 5,000 रुपए के लिए स्टार्ट किया था। मेरी कार की किस्त आती थी 5,000 रुपया, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है आज भी मेरा वही ड्रीम होगा? नहीं, लेकिन आपका ड्रीम तब बदलेगा जो पहला पूरा होगा, फिर आप दूसरा गोल बनाएंगे वो पूरा होगा, फिर तीसरा वो पूरा होगा, तो आप बढ़ते जाएंगे आगे। ऐसा नहीं मैं जिस दिन पहले दिन मैंने ज्वाइन किया था मैं तो कार लूंगा जी, नहीं होती है ऐसा, होता ही नहीं कभी। तो आज आपको ये देखना है, आज आपने ज्वाइन किया हुआ बिजनेस को, आपका वो फर्स्ट ड्रीम क्या था जिसके लिए आपने एमवे को ज्वाइन किया था। अब उसको आपको लिखना है, उसको आप लिख के रखोगे, चाहे वो 1,000 रुपए था, चाहे 2,000 रुपए था, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए था, कुछ आपको लगता है मेरी कार की ईएमआई है, कोई मकान की ईएमआई है, कोई बच्चों के लिए पैसा निकालना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है, घर का राशन के लिए क्या है, एक्स वाई जेड जो भी है, आप वो चीज जो है वो उसको डिफाइन कीजिए। आप लिखिए क्या चीज है, छोटे से जी, यही आपका मोटिवेशन बनेगा। मेरे कहने से, विवेक जी के कहने से
और पहली बात तो आपको कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता, मैं तो नहीं मानता आपको कोई मोटिवेट कर सकता। अगर मोटिवेट कर सकता होता ना तो फिर हम तो हर जने के घर में जाएंगे, उसको मोटिवेट कर देंगे और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, दैट्स इट। ऐसा क्यों होता है कि जब आप एक बार मोटिवेट हो गए उसके बाद वापस आप नीचे आ जाते हो? वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपका इनर ड्रीम है ना वो एक्टिवेट नहीं होता। आप हम जाते हैं, जाके आपके पास बैठते हैं, आपसे बात करते हैं, आप 5 मिनट के लिए तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप वापस नीचे आ रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने आप को, अपने ड्रीम को आप आइडेंटिफाई कीजिए, वो आपको चलाए। मेरे को मेरी अपलाइन है डॉक्टर सुरेश और नीलम धनवा, उन्होंने मुझे एक्टिवेट करने के लिए मेरे अंदर से मेरी फायर को, मेरे ड्रीम को एक्टिवेट कर दिया, मेरे ड्रीम को एक्टिवेट किया, और वो ड्रीम जब मेरा एक्टिवेट हुआ वो आज तक एक्टिवेट ही। कभी भी उनको ये कहने की जरूरत नहीं है मैं तेरे को मीटिंग में आना है, कभी भी उनका फोन नहीं आता था, ओपन मीटिंग होती थी या पेस्ट मीटिंग होती थी, हमें तेरे को आना है। आज हम क्या करते हैं, हम लोगों को फोन करते हैं, भाई ओपन मीटिंग में आ रहा है, पेस्ट मीटिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो फोन कर रहा है ना उसका बिजनेस हो रहा है, आपको पहले ही आ जाना क्योंकि ये बिजनेस आपका है। अब चीज ये देखनी है, लोग आए नहीं आए, प्रोडक्ट लें कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको इस बिजनेस में अपने ऊपर हर वक्त अपने ऊपर ही काम करना, ये मान के चलिए, अपने आप पे काम करते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और जो आपने ड्रीम लिया था, जो मैं आपको बोलता हूं, वो आपको कब तक पूरा करना है, कब तक पूरा करना है आपको बिजनेस को, आपने ड्रीम को, है ना। इस बिजनेस में देखिए आना बहुत आसान है, पैसे नहीं लगते, जाना बहुत आसान है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, कोई रिजाइन देना ही नहीं, लेटर लिखना ही नहीं, कुछ भी। लेकिन इस बिजनेस की जो एक मेन चीज है वो है टिके रहना। आने और जाने के बीच का जो पड़ाव है ना उसको बोलते हैं लीडरशिप। टिके रहने में गट्स चाहिए आपके, आपके अंदर एक पावर, आपकी इनर पावर, आपकी स्ट्रेंथ चाहिए। जो कमजोर लोग होते हैं ना वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे जंगल में जितने भी, जंगल में शिकार किसका होता है, जो कमजोर होते हैं। बीमारी किस शरीर को लगती है, जो कमजोर होते हैं। और इस बिजनेस को जो छोड़ के जाएगा वो कमजोर ही होगा। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम में से कोई भी कमजोर नहीं है, हमें से सब जो है वो स्ट्रांग है। अपने अंदर हर इंसान के अंदर एक पावर भरी हुई, आपके अंदर मैं कहता हूँ इतनी स्ट्रेंथ है, जिसका इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, आपको खुद को नहीं पता। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसकी हम बात करेंगे आपके साथ में। और अगर इन द मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो साथ साथ वो भी मेरे से पूछ सकते, तो एक थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। जिनको भी कोई सवाल पूछना है तो वो प्लीज हैंड रेज करें अपना, बोल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा। और वैसे अमिताभ बताते रहिए साथ में, जिसको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो अच्छा लगेगा ज्यादा, ठीक है। अभी आप एकदम रिदम में हो, सवाल पूछ रहे फिर रिदम टूट जाएगी। ओके, बहुत मजा आ रहा है आपको सुनने में। मैं ऑफिस आके बस खाना भी साथ में साइड की स्क्रीन पे बैठ के खा रहा हूं। नहीं नहीं अच्छी बात है, इसलिए आप बोलते रहो वो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, देखिए चलिए बात करते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि नए लोगों से ना, नए लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरा बिजनेस हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं। ये एक कॉमन चीज है, नए लोग जितने भी आते हैं ना वो यही कहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, अब बताइए मुझे। तो बस अपने को चेक करना है, चेक ये करना है कि मैं सीख कितना रहा हूं। नहीं, ऐसा कभी भी कोई काम नहीं, आप जब भी जिंदगी में आए हो और आप सारे काम सीख के आए हो, एक भी काम ऐसा आप मेरे को गिना दीजिए जो आप जब जिंदगी में जब पैदा हुए थे उसके बाद से लेके आज तक आपने कोई भी काम नहीं सीखा हो, और पहली बार ही सीखा और आप फेल ना हुए हो, वो भी मेरे को बता। तो जब अपने इस बिजनेस के लिए स्टार्ट, मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करने का अधिकार छोड़ देते हैं, है ना, जिससे कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो एक सेकेंड फिर आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, बाद में कोस्ट के पास पावर रहेगी। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ जी, तो अब मैं जो पहले बोल रहा था कि नए लोगों को यही लगता है कि बिजनेस नहीं हो पा रहा, तो बिजनेस में ना होना सिंपल सी कहानी है कि आपको चेक करना है कि मैं सीख कितना रहा हूं।
देखो कोई भी चीज है, चाहे वो प्लान करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको डेमो करना है वो सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, क्या एक्चुअल में देखा जाए, कोई इसमें अपने को पढ़ के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करना। इतनी पढ़ाई करते हैं हम एग्जाम क्लियर करने के लिए और उसके बाद भी नहीं होता, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मात्र 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट का प्लान है जिसको आप बिल्कुल इजीली आप सीख सकते हो और उंगलियों पे भी कर सकते हो। ये हम है, ये फैक्ट्री है, ये बीच वाले लोग हैं, इनको उड़ा दिया, इसको और इनको आपस में मिला दिया, प्लान खत्म हो गया। पता है आपको सिर्फ इतनी कितनी देर लगी है, मैंने 30 सेकंड के अंदर प्लान को खत्म कर दिया। दोबारा कर देता हूँ, ये बिजनेस है, ये मैं हूँ, ये फैक्ट्री है, ये बीच वाले लोग हैं, इनको खत्म कर दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ये पैसा इन सब में बांट दिया, दैट्स इट। इस कहानी में अब कितने लोगों को समझ में आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इस बिजनेस में बिना ज्वाइन किया आया था, बिना प्लान देखे आया था। अब जब मैं बिना प्लान देखे आया, मैं मीटिंग देखने के बाद नेगेटिव था, फिर भी मैं आज बैठा हूं यहाँ बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि प्लान मैटर नहीं करता। प्लान कौन दिखा रहा है कोई मैटर नहीं करता, किसको दिखा रहे हो वो भी मैटर नहीं करता, पर एक ही चीज है, क्या प्लान दिखा रहे हो क्या। और मैं बताऊं आपको, अगर प्लान नहीं आता ना तो सिंपल सी बात, में आप डेमो कर दीजिए सारे प्रोडक्ट के डेमो, 7-8 प्रोडक्ट। अगर वो नहीं प्लान देखना चाहता ना तो आप 7-8 डेमो कर दीजिए और एक ही बात बोलिए, डेमो करते ही ऐसा इन सारे प्रोडक्ट को यूज करने का पैसा मिलता है, आपको चाहिए क्या। That's it. आप स्मार्ट वर्क कीजिए ना, हार्ड वर्क के पीछे क्यों पड़ते हैं, क्यों लोगों के पीछे भागते हैं, भागना ही नहीं है लोगों के पीछे, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैं अपना बताता हूँ, मेरा जो चैनल है एम्ब्रिट एजुकेशन यूट्यूब के अंदर, मैं उसी में से अपना प्लान सामने वाले को भेज देता हूँ। 5 मिनट का प्लान है, उसमें शॉर्ट प्लान फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दो है उसके अंदर। वो कहता है क्या है, मैं उसको 5 मिनट का भेज देता हूँ, यही वाला ऑप्शन 5 मिनट में बताया, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर 5 मिनट का फिर मैं उसको भेज देता हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि थोड़ा सा अगर एक्टिव होता है, वो पूछता है कि यार इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है, मैं उसको सारे डेमो वाली भेज देता हूँ। मैं मेरी वीडियो ही भेज रहा हूँ उसी को ही, अगर सामने नहीं है तो। फिर कहता है कमीशन फार्मूला कैसे होगा, तो उसको कमीशन फार्मूला भी उसको भेज दिया। अब हो क्या रहा है आप देखिए, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, एक बार ही काम। एक्चुअली मैंने ये जो चैनल बनाया था, ये मैंने मेरी टीम के लिए बनाया था कि मेरी टीम काफी दूर दूर हो गई थी, तो एक वीडियो बनाया उधर भेज दिया, उधर भेज दिया, उधर मुझे नहीं पता था ये चल जाएगा, लेकिन चलो किसी के तो काम आ ही रहा है। तो आपको ये देखिए, आपको प्लान में मास्टरी करनी है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले पॉइंट पर वापिस आते हैं कि बिजनेस आपका है, प्लान आप ही को करना है, अपलाइन आपकी जो है वो आपको बिल्ड करने के लिए आपके साथ में होती है। अपलाइन आपको बिल्ड करने के लिए, अपलाइन को यूज करो, अपलाइन को कभी मिस यूज मत करो, और हम उल्टा कर देते हैं। मैंने एक सीडी में सुना था, उस चीज का आप ध्यान रखना। हम ऑफिस में जाते हैं ना प्रोडक्ट लेने के लिए, एमवे ऑफिस में जब भी कभी जाते हैं, तो वहां पे ना वो जो ऑर्डर डालने वाले पर्सन बैठे होते हैं, हम उनको जाके पूछते हैं, भाई साहब बताओ यार और बिजनेस को मैं कैसे फास्ट तरीके से बिल्ड कर सकता हूँ, मुझे बताओ। उससे पूछ रहे हैं जो कंप्यूटर के उस साइड में बैठा है, और अपने अपलाइन से आगे पूछता क्या पूछते हैं, वो माल नहीं आया जी, वो माल कम निकला है, माल शॉर्ट निकला है, माल में लीकेज आ गई, माल पहुंचा नहीं जी, पता नहीं कहाँ रह गया, डिलीवरी नहीं हुई। सर हम उल्टा काम क्यों कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के उधर बैठा है ना उसको जाके पूछो कि सामान नहीं आया, डिलीवर नहीं हुआ, और जो आपकी अपलाइन है ना उसको पूछो आप, क्या पूछो कि मैं डायमंड कैसे करूँ। बस ये अगर पैटर्न में सही कर लिया ना, इसी तरह से जब भी आप अपलाइन को, अगर आप अपलाइन को यूज करोगे ना, अपलाइन को यूज करोगे आप, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। मैंने मेरे अपलाइन को हमेशा यूज किया है, और कब यूज करता हूँ मैं उनको, आप ये मानते हो ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करता हूँ, नॉर्मल तीर की तरह नहीं यूज करता कि चल भाई मेरे पास कोई भी आया उठा के उसको ले जाऊंगा, डॉक्टर साहब इसको समझाना, डॉक्टर साहब इसको समझाना, नहीं, जो मेरे से टैकल नहीं होता ना उसको मैं लेके जाता हूँ। पहली कोशिश ये करो कि मैं लेके ही ना जाऊं, पहली चीज तो ये, क्योंकि अगर आप ले गए ना तो वो मजा नहीं आने वाला। आपकी काबिलियत, मैं तो एक चीज आपको साथ में बता, अगर घोड़े की सवारी करनी है और आप घोड़े पे बार बार गिर रहे हो
और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, मजा कब आएगा? जब अपलाइन आपके साथ में घोड़े पे चढ़ के बैठ जाएगा और आप आगे बैठे होगे, वो पीछे बैठा होगा, वो फिर घोड़ा चल रहा होगा तब मजा आएगा, या आप अकेले उस पर भाग के चढ़ोगे और फिर घोड़े की सवारी का जो मजा लोगे वो आप बताइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका अर्थ जो है ना बहुत बड़ा है। आपको लगता होगा ये प्लान डेमो, हमेशा जो भी लीडर आता है वो प्लान डेमो की बात करता है, एक्चुअली में सक्सेस ही यहाँ पे छुपी हुई है प्लान डेमो के अंदर। अब हम बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, तो आपने देखा होगा बिजनेस शुरू करते ही क्या होता है, जैसे बिजनेस शुरू करोगे ना आपको डिस्ट्रैक्शन आने लग जाएगी। कभी जैसे ही ज्वाइन किया या जैसे ही आपने कोई गोल सेट किया ना, जैसे ही कोई गोल सेट करते हो, ओहो मामा जी की बेटी की शादी आ गई, अरे यार वो बेटी का एडमिशन हो गया उधर जाना पड़ेगा, इन लाज में कोई फंक्शन आ गया उधर जाना, वो मेरे फ्रेंड सर्किल ने कुछ पार्टी रख ली उधर जाना। ये एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है चैलेंज, ये होता है कि जब आज मैंने सपोज करो मैंने सोचा कि मैंने आईएएस भरना है, तो आईएएस बनने के लिए मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? मैंने एलएलबी करके बहुत एलएलएम करनी है, मैंने मजिस्ट्रेट बनना है, तो मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेरे को क्रिकेट में जाना है, मैं सोचता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊँ, मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा, खेल के दिखाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो जब भी मैं कोई डिसीजन लूंगा मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप एक डिसीजन लेते हो, मेरे को सिल्वर जाना है, मेरे को प्लेटिनम जाना है, तो आपके सामने एग्जाम आएगा। अब यहाँ पे कौन सा एग्जाम है कि रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा? एग्जाम कुछ नहीं है, एग्जाम डिस्ट्रैक्शन है। वो ब्लाइंडर्स लगे होते हैं ना, जो घोड़े के ऐसे लगे होते हैं ब्लाइंडर्स, उससे क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन मत हो। तो फोकस्ड हमको रहना है, अपने गोल को आपको देख के एकाह जिसको बोलते हैं, एकाह, एकाह मतलब और कोई चीज नहीं, आपका फोकस ओनली एकाह, बस वही करना है आपको फोकस, डिस्ट्रैक्शन नहीं। मतलब डिस्ट्रैक्शन को तो मैं ये बोलता हूं कि इसको भूखा मार दो, और जो आपका फोकस है ना उसको उसको खिलाने पे लग जाओ। जो भी चीज आपके गोल की तरफ आपको लेके जा रही है उसको भोजन दो, और जो चीज आपको अवॉइड कर रही है उसको हटा दो। मैं फाउंडर प्लैटिनम से एमरल्ड जब जा रहा था तो मैं एकह पे फोकस हो गया, एकह मेरा फोकस सिर्फ एक था कि मेरे को इस साल ब्रेक करना है। मैंने पहले साल ट्राई किया एमरल्ड, नहीं हुआ, दूसरे साल ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरे साल ट्राई किया नहीं हुआ, चौथा साल जब आया ना तो अब मैंने सोचा कि अब क्या करूं। घर वाले भी कहने लग गए थे, बच्चे भी कहने लग गए थे, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं फार्मास्यूटिकल में काम करता था और मेरा काम होता था, मैंने आपको बताया, दवा प्रतिनिधि का डॉक्टरों के पास जाना कॉल करने। तो मैंने क्या करा, अपना बैग जो मेरा वर्किंग बैग होता था उसको उठा के मैंने अंदर स्टोर के अंदर रख दिया और अपने आप से एक वादा किया, इस बैग को तब उठाऊंगा जब मैं एमरल्ड बन जाऊंगा। अब आप सोचिए, एक इनकम मेरी जब आ रही थी और वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मेरे को क्या, मैं फाउंडर प्लैटिनम तो मेंटेन हो रहा था लेकिन मैं एमरल्ड नहीं जा पा रहा, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने सोचा, कुछ मैंने सीडी सुनी, उसमें यह था कि आप अपने ऐसे गोल को ऐसा पैशनेट कर दो कि आपको कुछ भी ना दिखे, जो आपके आड़े आ रहे हैं ना एक बार उसको साइड में रख। मैंने वो बैग उठा के साइड में रख दिया। उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या दिन था क्या रात था, आपने मेरी स्टोरी भी सुनी होगी, 48,000 किलोमीटर कार चलाई थी मैंने उस साल के अंदर, सिर्फ इसलिए कि मेरी तीन टीम्स है, तीनों टीम्स में, यस, एक ने मैसेज किया आपने चिकन भी छोड़ा था वही है डिस्ट्रैक्शन, जो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए, लोगों को याद है ना कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या किया था। तो आपको अपने साथ में क्या करना है, अब ये देखना कि आपको कौन सी चीज आपके गोल तक लाने में आपको रोक रही है, आपको वो चीज देखनी है, क्या चीज है आपको जो रोक रही है। और आप सबको पता है दोस्तों, अभी एक मिनट का मैं 10 सेकंड दूंगा, आप सबको पता है कि आपको कौन सी चीज रोक रही है। अपने आप को स्ट्रांग करना है, अगर आपको भी पता चल गई है तो काम क्या करना है वो भी देखिए। अपने को काम करना है, सबसे पहले हमारे अंदर कुछ शक्तियां होती है, ठीक है, जहां पे हमें काम करना होता है, सबसे पहले होती है हमारी फिजिकल, जो होती है फिजिकल लेवल के ऊपर अपने को अपनी पावर को बढ़ाना। फिजिकल पे कैसी पावर बढ़ती है आपको पता है? फिजिकल पे जो पावर बढ़ेगी आपकी, फिजिकल लेवल पे यानी कि बॉडी के लेवल पे, वो तब होगी जब आप एक्सरसाइज
मेडिटेशन योगा करो, है ना, एक्सरसाइज करने से ही होगा। अब सुबह कुछ लोग लेट उठते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, ठंड बहुत पड़ रही है, फलाना 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 फलाना। तो जब आपकी बॉडी फिट नहीं है ना, तो उस बॉडी से आपका मेंटल लेवल भी प्रभावित होता है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सोचते हैं कि हम 10 बजे उठ जाएंगे और उसके बाद शाम को हम काम कर लेंगे, नहीं होगा। सबसे पहले जो टाइम लगाना है वो खुद पे एक्सरसाइज के ऊपर लगाना है। उससे जो हार्मोन रिलीज होंगे वो आपके माइंड के लिए बहुत अच्छे होंगे, जो आपको बिजनेस में ग्रो करवाने में मदद करेंगे। दूसरा होता है मेंटल लेवल के ऊपर। अब मेंटल लेवल में सीधी सी बात है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, वो डिस्ट्रक्शन वाली बात यहाँ पे भी आएगी। ये एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या गोल है इस महीने का, क्या गोल है, 3% 6% यार आज तो 16 तारीख हो गई, अब तो कुछ दिन ही नहीं बचे, छोड़ो नहीं करते, अगले महीने देखें, क्या ये साल तो जाने ही वाला है, अगले साल करेंगे, है ना। कुछ ऐसा गोल जो आपको भी लगे नामुमकिन है, कुछ ऐसा गोल, इस महीने का नहीं बोल रहा मैं, पर अपने आप से एक वादा करो, ऐसा गोल जो नामुमकिन है। मेरे लिए नामुमकिन था क्या 25 लाख की गाड़ी लूंगा, नामुमकिन था, क्यों, 25,000 की आई तो ले नहीं जा रही थी। अपने आप से ठीक है नहीं ली जाएगी, ट्राई तो करो, 25 की नहीं आई 10 की आ जाएगी, लेकिन 25,000 से तो ऊपर बढ़ गया। तो मेंटल लेवल पे आपको मेंटल लेवल पे काम करना। मेंटल लेवल पे कैसे काम करोगे, मेडिटेशन, सोचना क्या अच्छी बात है। जब आप किताब पढ़ोगे, सीडी सुनोगे, आप मेडिटेशन करके आंखें बंद करके अपने आप से बात करोगे, आपको सारी चीजें रिकॉल होने लग जाएंगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप जाना कहाँ चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा, मेंटल लेवल पे काम करना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी। खाली सेल्समैन नहीं है, भागे और माल बेच दिए, भागे और माल बेचा है, उससे काम, उससे डायमंड नहीं जाओगे आप, सिल्वर चल जाओ, गोल्ड चले, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम तक चले जाओ, उससे आगे नहीं जाओ। फाउंडर प्लैटिनम पे कंट्रोल आपके हाथ में 10,000 पॉइंट का, एमरल्ड पे 3 टीम्स, डायमंड पे 6 टीम्स कैसे कंट्रोल करो, कर नहीं सकते। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे, पहले फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे एक ही चीज देखनी है, आप लोगों को कितनी जल्दी माफ कर देते हो, क्यों माफ कर देते हो, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आपने लोगों को माफ नहीं किया तो आप ही जलते रहते हो, आपके अंदर ही बर्निंग रहेगी, आप ही जलोगे। उसने मेरे साथ वो किया था, उसने वो कहा था, उसने 6 महीने पुराना ये कहा था, उसने वो कहा था, पिछली शादी में उसने बोला था, पिछली दिवाली को वो बोला था, ये किसके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में। तो आपके स्पिरिचुअल से आपकी मेंटलिटी प्रभावित होगी, और जैसी मेंटलिटी प्रभावित होगी गुस्सा आएगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे, तो वो सीधा फिजिकल के ऊपर आ जाएंगे, तो उल्टा रिलेशन भी होगा। तो जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे हर बंदे के लिए एक अच्छी फीलिंग आप दोगे, है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे एक और चीज बात करते हैं, जैसे आप दूसरों की मदद करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, या दूसरों के द्वारा आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप दूसरों की हेल्प से खुद आगे बढ़ना चाहते हो, या दूसरों की आप मदद करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हो। दैट इज अगेन स्पिरिचुअल लेवल पे क्वेश्चन है, कि आप ही को देखना। इसमें एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं WRT फॉर्मूला। WRT का फॉर्मूला क्या है, W का मतलब वाइसली, वाइसली मतलब बुद्धिमानी के साथ, राइटली ईमानदारी के साथ, और टाइमली समय के साथ। अगर ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आप अपने बिजनेस के अंदर रखोगे वाइसली, क्या पहले ईमानदारी, वाइसली बुद्धि के साथ, और उसके बाद राइटली यानी ईमानदारी, ईमानदारी पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, अगर ये कुछ चीजें आप अपने अंदर ले आए ना, दूसरों का हमेशा भला चाहना, अगर ये सिचुएशन आप अपने अंदर पैदा कर पाए, जितनी जल्दी उतनी जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। मैंने पहले भी कहा था, अपने आप को
मजबूत बनाना है इस बिजनेस के अंदर। मजबूत क्यों बनाना है? लोग आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, प्लान दिखाओगे लोग आंसर नहीं देंगे, रिश्तेदारों को बताने जाओगे सुनेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। मेरे रिश्तेदार आज तक इस बिजनेस में है ही नहीं, सिंगल रिश्तेदार नहीं है और सिंगल मेरा दोस्त नहीं है इस बिजनेस के अंदर। आप सोचिए अगर वो आ जाए तो मैं कहां पहुंच जाऊं? ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया, सबको बताया, नहीं आते। अब आपको भी यही होगा, आज जितने नए लोग बैठे हैं उन्होंने लिस्ट के एक बात है, हम लिस्ट बनाते हैं ना फोर बेसिक के अंदर, लिस्ट किन लोगों की बनाते हैं? फ्रेंड्स फार्मूला आप सभी को पता है, नहीं पता तो अपलाइन से पूछ लेना। अब वो फ्रेंड्स फार्मूला में सिर्फ एस को छोड़ दे तो बाकी सारे हैं, है ना, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, नेबर, डॉक्टर, डिग्री होल्डर, और वो सारे आ गए। मेरे उसमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मेरे सारे के सारे एस से आए हैं, स्ट्रेंजर्स जितने भी लोग आए, किस किस को मैंने नहीं बताया अपने फैमिली के अंदर, नहीं आते। लेकिन पहले ध्यान नहीं था, लेकिन अब पता चल गया कि नहीं आते, नहीं आते तो कोल्ड कॉन्टैक्टिंग इतनी होती है, मजा आ जाता है, तो अब तो जी करता है कोल्ड कॉन्टैक्टिंग ही होती है। मैं आपको बता, मेरे घर में कोई प्लम्बर आ जाए, कोई मोटर मैकेनिक आ जाए, कोई इलेक्ट्रिशियन आ जाए, कोई केबल वाला आ जाए, कोई मैंने मकान रेनोवेट कराया था वो आ जाए, कोई मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का काम कराया था, मैंने किसी को भी बिना प्लान बताए घर से जाने नहीं दिया। आएगा वो अपनी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से। ये आपके अंदर गट्स धीरे धीरे आएंगे। जब क्यों? बिजनेस किसका है? अगर बिजनेस आपका है तो फिर आप ही के हिसाब से चलेगा, आप ही के हिसाब से चलेगा बिजनेस, किसी और के हिसाब से नहीं चलने वाला। क्यों चलेगा? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉई माइंड सेट। और हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ऑनरशिप मेंटालिटी। हम इस बिजनेस में खुद ऑनर है, तो बिजनेस एक हो गया ऑनरशिप मेंटालिटी, एक हो गया जॉब मेंटालिटी, एम्प्लॉय मेंटालिटी। दोनों एक जैसे तो है नहीं, एक में कोई हमें मैसेज करता है, एक में कोई हमें आदेश देता है तो हम काम करते हैं, दूसरे में हमें खुद करना होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। मैंने अपने आप को इसी चीज में ट्रेंड किया। सॉरी, मैंने यही चीज अपने आप के अंदर की, मैंने कहा ओनरशिप मेंटेलिटी, मैं अपने बिजनेस का राजा हूं, मैं मेरी टीम का कैप्टन हूं, मेरे को टीम कैसे चाहिए? तो एकदम से आवाज आती है मेरे जैसी। कुछ लोग बता सकते हैं, नए लोग, कि उनको टीम किसके जैसे चाहिए? हाथ रेज कर सकते हैं एक बार, उनको टीम किसके जैसे? अपने जैसे। अब देखिए ध्यान से देखना, फोटोकॉपी वही निकलेगी जैसी ओरिजिनल होगी। आप प्लान नहीं करते, आपकी टीम में वही लोग आएंगे जो प्लान नहीं करते। आप सीडी नहीं सुन रहे, आपकी टीम में वही लोग आएंगे जो सीडी नहीं सुन रहे। आप प्लान में वही आएंगे जो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, वो भी आएंगे कैमरा ऑफ करके बैठेंगे। आप सोचिए कि आपको आपके जैसे चाहिए, तो मेरा आंसर है नो, आपके जैसा नहीं चाहिए, मेरे से बढ़िया चाहिए, क्योंकि मैं तो परफेक्ट हूं ही नहीं। जब मैं प्लान नहीं कर रहा और मेरी फोटोकॉपी क्या आएगी? मेरी फोटोकॉपी वैसी आएगी, तो मेरे को वो चाहिए ही नहीं। हाँ, आप परफेक्ट, आप रोज प्लान करते हो, फिर ठीक है, आप अपने जैसे मानो। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है। आप जब देखो, आप जब भी आपका ध्यान भटक जाए इस बिजनेस में, राइट, हम काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, डिफोकस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा ध्यान भटक रहा है या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको वहां पे स्टिक करना है। आपको जो रहना है ना, वो आपको तीन क्वेश्चन में आपको बताता हूं, आपको अपने आप से वही क्वेश्चन हर बार करना है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन करना है, अभी कहां हूं मैं, अभी कहां हूं इस बिजनेस में, मैं अभी कौन से लेवल पे हूं, ठीक है। नंबर टू, जाना कहां है, कौन से लेवल पे मैं पहुंचना चाहता हूं, और तीसरा, कैसे जाऊंगा। ये तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं बस। जब भी आप कहीं अटक जाओ, 3% से हो, 6 पे हो, 9 पे हो, 12 पे हो, कहीं पे भी, आपको अपने आप से ये तीन क्वेश्चन पूछने हैं, अभी कहां हो, जाना कहां है और जाओगे कैसे। अभी कहां हो, 3% में, जाना कहां है, प्लैटिनम, कैसे जाऊंगा, टक 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 ये काम करते हुए जाऊंगा, प्लान डेमो, टीम को संभालते हुए 10,000 पॉइंट करते हुए जाओ। ये सिंपल सी कहानी है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है।
तीन ही स्टेप हुए, इन तीनों स्टेपों को जब माइंड में रखोगे चैलेंज आएगा ही नहीं। आपको पता है मैं आज 3% पे और मेरे को प्लेटफॉर्म जाना है तो रास्ते में मेरे को नो मिलेंगी, बहुत सारी नो मिलेंगी, बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट पर कहेंगे कि नहीं लेना, कुछ लोग आएंगे कुछ छोड़ के चले जाएंगे। आप कहाँ हो, आपने जाना कहाँ है और जाओगे कैसे, दैट्स इट। ऐसे आप बीकानेर से चले जयपुर जाना है तो अभी कहाँ हो, बीकानेर, जाना कहाँ है, जयपुर, जाओगे कैसे, बस से। अच्छा जी, बस रास्ते में खराब होगी, पंचर होगी, फिर तो भी जाओगे, नहीं जाओगे कुछ और कार कर लेंगे, वो पंचर होगी फिर दूसरी कर लेंगे, तो सड़क बंद हो गई फिर दूसरी कर लेंगे, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। तो गोल चेंज नहीं करना, बीकानेर से जयपुर जाना है तो गोल चेंज नहीं करना, चलो छोड़ो जयपुर जाते ही नहीं, क्यों बस खराब होगी, जयपुर तो जाना है, आप रास्ता चेंज करो। आप 3% पे हो, प्लैटिनम जाना है, एक को प्लान दिखाया नहीं आ रहा, दूसरे को दिखाया नहीं आ रहा, आप दूसरे पर्सन को ज्वाइन कराओ, तीसरे को ज्वाइन कराओ, चौथे को ज्वाइन कराओ, पांचवें को ज्वाइन कराओ। आपका गोल चेंज नहीं होना चाहिए, गोल कभी नहीं बदलना, स्ट्रेटजी बदलना। आप सबके अंदर पावर है, और मैं आपको एक चीज और, आपकी जितनी भी अपलाइन है, अपलाइन कौन है जो ग्रो कर रहा है, कई बार होता है मेरे को जिसने ज्वाइन कराया था बिजनेस नहीं है, मेरे और डॉक्टर साहब के बीच में 15 दिन थे, 15 के बीच में आज एक भी नहीं है, मैं उनके डायरेक्ट हूँ। तो अपलाइन कौन है, मेरी हमेशा डॉक्टर साहब ने ही मदद करी है, जब भी मैं कहीं पे अटका हूँ कुछ हुआ तो मेरे डॉक्टर साहब ने मदद करी। आप अपने अपलाइन में उस पर्सन को पकड़ो जो ग्रो कर रहा है, जिसने ज्वाइन कराया वो नहीं, जो ग्रो कर रहा है। इसमें आपके अपलाइन प्लैटिनम जो ग्रो कर रहे हैं, अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम जो ग्रो कर रहे हैं, अपलाइन एमरल्ड जो ग्रो कर रहे हैं, और अपलाइन डायमंड, आप उनको उनको आप पकड़िए। एक ही मिशन स्टेटमेंट आपका होना चाहिए कि इस साल के अंदर मैं प्लैटिनम जा रहा हूँ। आज कोई 3% भी है ना, वो भी इस बिजनेस में प्लैटिनम इसी साल में जा सकता है। आपको चेक करना है कि आपको जाना कहाँ है। आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड सिर्फ आप पर करता है। बिजनेस आपका है, आप ही को ग्रो करना है, आप ही के घर पैसा आएगा, आप ही फ्री में फॉरेन ट्रिप एंजॉय करोगे, हर साल मस्तियां मारोगे। आप देखिए विवेक जी आज भी जॉब के अंदर हैं, कैसे वो मैनेज करके डायमंड चले गए और वैसे एमरल्ड नहीं दिखाया गया। वॉइस ब्रेक हो रही है, ऑल क्लियर? ओके, तो आप सोचिए विवेक जी जिस पोस्ट के ऊपर है लोग तरसते हैं उस पोस्ट पे जाने के लिए, मैंने एमरल्ड पे ही छोड़ दिया, क्यों? मेरे पास ऑप्शन था। क्यों ऑप्शन था? क्योंकि देखिए मेरी जॉब में फ्रस्ट्रेशन बहुत था, मेरी जॉब में रिकॉग्निशन नहीं था, मैं फाउंडर प्लैटिनम था लेकिन मेरी जॉब के अलग परेशानियां थी, मुझे वेट करना पड़ता था, मेरे को वहां पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इधर रिस्पेक्ट ज्यादा मिलने लगी, उधर रिस्पेक्ट जीरो थी, पहले ही थी, समझ में नहीं आता था ये रिस्पेक्ट हो रही है कि क्या हो रहा है, ये रिस्पेक्ट वो कहते हैं आपकी इज्जत हो रही है कि बेइज्जती हो रही है, नहीं पता चलता था। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया, कुछ लेवल लिया, सिल्वर गोल्ड, तो पता चलने लगा अच्छा यार उधर तो बेइज्जती होती जा रही है अभी तक, है ना। वो अपने अपने प्रोफेशन के ड्रॉबैक होते हैं, तो मेरे को समझ में आने लग गया कि यार मैं पहली बात तो मैं जॉब के लिए बना ही हूँ, मेरे को समझ में आने लग गया। फिर जब मैंने देखा, हम हर बार कहते हैं, पहली चीज मैं बीच में भी बता रहा हूँ, आपको कोई भी चीज मेरी अच्छी लगी हो और आप उसको बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप जरूर अपनी अपलाइन प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम या एमरल्ड डायमंड जो भी आपके हैं उनसे बैठ करके एक बार उनसे पूछ लेना कि अमित जी ने ये कहा था, क्या मैं आपके अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करूं, अगर वो यस कहते हैं तो आप अप्लाई कर लेना। तो मेरे को ये क्या लगा, ये जॉब के लिए हूं नहीं, और हम हमेशा बताते हैं कि अगर आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से अगर इतना कमा रहे हो, एक्स कमा रहे हो, और एमरल्ड से 5x पे आ जाओगे तो आपके पास चॉइस है इसको रिप्लेस करने का। अगर कोई पहले ही 5x पे बैठा है तो उसका 5x कर लो आप। तो मैं जिस इनकम लेवल पे था और जब मैं एमरल्ड पे जा रहा था तो मैंने जब इनकम लेवल मैच किया तो वो एग्जैक्ट उससे ज्यादा ही था, तो मेरे लिए बड़ा ईजी था रिप्लेस करना। लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं अच्छे हैं जैसे विवेक जी हैं, तो वो ऑलरेडी पहले हाई इनकम पे हैं, तो उसकी 5 गुना जब करेंगे तब वो हो सकता है वहां पर पहुंचते पहुंचते वो भी एक डिसीजन ले लें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है।
मेरे कहने का मतलब आप देखिए, अगर कोई पर्सन 2,000 कमा रहा है आज के, मैं सपोज करो 10,000 कमा रहा है, आज छोटी सी जॉब कर रहा है 10,000 कमा रहा है, लेकिन 10,000 करते करते एमवे से उसको 1,00,000 की इनकम होती है, सिल्वर चला गया, तो वो जॉब रिप्लेस करने में मिनट में तैयार है वो तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता कि आपने आज 10,000 कमाया अगले महीने 1,00,000 आया और आप जॉब क्विट कर दो। आप एक साल तक देखोगे, एक साल तक, कि मेरे को पैसा लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे नहीं कि बैठ कर मिनट में जॉब अपने क्विट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये पे मैं इस पर ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, बात आप उसको अपलाइन से आप बैठ करके उसको कर लीजिए। बट मैं जो कहना चाहता हूँ, आज भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप सीधे के सीधे आप इसी साल प्लैटिनम जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप बुक्स पढ़ेंगे, आप सीडी सुनेंगे, आप मीटिंग्स में आएंगे, जूम सेशन लेंगे, आप ट्रेनिंग सेशन जो एमवे के वो करेंगे, हर प्रोडक्ट में आप मास्टरी करेंगे और अपनी टीम वालों को ये चीज को डुप्लीकेट करेंगे। सिर्फ इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं। 5-7 पॉइंट है जो मेन थे, और जिसने इनके ऊपर काम कर लिया, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, नहीं हो सकता। और दूसरा, मेरे को इतना भी पता है कि जब मैं नेक्स्ट मीटिंग करूंगा और विवेक जी बुलाएंगे, तो मेरे को जरूर उस पर्सन से मिलवाएंगे कि मेरी मीटिंग के बाद उस पर्सन ने डिसीजन लिया और बंदा प्लैटिनम चला गया। विवेक जी ध्यान रखना, मैं उससे पर्सनली मिलूंगा, राइट। तो चलिए, बहुत बहुत मजा आया आप सबके साथ बात करके, और थैंक यू वेरी मच। बैक टू बॉस। थैंक यू सो मच। मैसेजेस बता रहे हैं कि सभी जनों की लाइफ के अंदर